हेलो माय डियर फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स एंड लास्ट लेक्चर कंप्लीटेड बाय द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलीमर एंड कंटिन्यू मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो हमने देखा है कि पॉलीमराइजेशन के टू टाइप्स है, जैसे कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट देखते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। जैसा कि हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से एडिशन पॉलीमराइजेशन ISI बोलते हैं, तो क्या होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में। तो यहाँ पे दिया हुआ है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज अ पॉलीमराइजेशन टेक्निक फियर अनसैचुरेटेड मोनोपॉलीमर चेन वन एट अ टाइम। चेन ग्रोथ पॉलीमर से हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर, जिसमें हमारा जो मोनोमर होता है सिंगल मोनोमर नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन होता है एट अ टाइम, तो इसे बोलते हैं हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और सेकंड होता है हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसे हम बोलते हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, मतलब दोनों भी मोनोमर इसमें डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कुछ प्रिपरेशन मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स मतलब चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो देखते हैं हमें प्रिपरेशन देखने की पॉलीथीन की। पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन का मोनोमर है इथीन, और इथीन का पॉलीमराइजेशन करके हम बनाते हैं पॉलीथीन। यस, पॉली मतलब मेनी एंड इथीन मतलब इथेन जो है। एंड इसमें भी टू टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन एज गिवन बिलो। जैसा कि हम देखते हैं पॉलीथीन मेनी टाइप्स के होते हैं, जैसा कि पॉलीथीन के भी कुछ टाइप्स है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें फर्स्ट है लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड सेकंड होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम देखने वाले हैं जो रिएक्शन, जैसा कि हमने देखा है इथिन की रिएक्शन है जिससे हम पॉलीथीन बनाते हैं, तो इसके लिए प्रेशर की ज़रूरत है। प्रेशर चाहिए हमें 100 to 200 एटमोसफियर एंड टेम्परेचर रहेगा 350 केल्विन to 570 केल्विन। इसके बाद हम लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ करते हैं कि जो हमारी वायर होती है इसका इंसुलेशन जो होता है, इंसुलेशन ऑफ वायर्स ये बनाने के लिए, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीजी बॉटल्स, जो हमारी बॉटल होती है जिसकी वाटर बैग, ये सब कुछ हम पॉलीथीन से बनाते हैं। टॉयज जैसे कि छोटे बच्चों की जो खेलनी होती है, कुछ पाइप भी बनते हैं, ऐसे यूजेस है पॉलीथीन के। हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी हम देखते हैं, जिसमें क्या होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज अ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। इसी में जब हम रिएक्शन करते हैं तो इथाइल एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, जो हमारी पॉलीथीन होती है इसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है और हार्ड होती है लो डेंसिटी से। इसमें टेम्परेचर रहेगा हमारा 333 केल्विन टू 343 केल्विन एंड नेक्स्ट प्रेशर रहेगा 6 to 7 एटमॉस्फेयर। हाई डेंसिटी पॉलीथीन से हम सिंबॉलिक में ऐसा SDP लिखते हैं। तो हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी में क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में टेम्परेचर कम होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन में टेम्परेचर हाई होता है। और जिस पॉलीथीन में टेम्परेचर कम होता है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, और जिस पॉलीथीन में इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम होता है तो उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो नेक्स्ट है मोर टफ होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड हार्ड होती है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बकेट्स डस्टबिन बॉटल पाइप्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन से हम, जैसा कि कॉमन नेम सिस्टम होता है तो इसे हम टेफ्लॉन बोलते हैं। इसकी कुछ रिएक्शंस है, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस इस चैप्टर में सिंपल रिएक्शन है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें क्या होता है कई सारे रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट होता है और कुछ बाय प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन पॉलीमर जो चैप्टर है इसमें ऐसा होता है सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और सिंगल प्रोडक्ट रहेगा। तो देखते हैं फर्स्ट टेफ्लॉन की क्या रिएक्शन है। तो यह टेट्राफ्लोरोइथीन, और टेट्राफ्लोरोइथीन में क्या करते हैं हम, जो हमारा ये डबल बॉन्ड है
इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हमें मालूम है। और हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऐसी चेन बनाते हैं और अंदर रहेगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड, जिसे हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ऐसा, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, हम जिसे टेफ्लॉन बोलते हैं। सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट, इसका यूज़ हम करते हैं इन मेकिंग ऑयल सील्स। ऑयल का जो सील होता है पैक, इसमें हम टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन का यूज इसलिए होता है कि जब हम अंदर कुछ रखते हैं लिक्विड या गैस, तो वो लीकेज नहीं होता है, ड्रॉप नहीं होता है, इसलिए हम टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं। एंड नॉन स्टिक सरफेस कोटेड, कभी हम कोटिंग करते ड्रॉप होने से रोकने के लिए, मतलब लीकेज जो होता है इसको रोकने के लिए हम कोटिंग बनाते हैं, तो इसका यूज़ इसमें भी होता है। टेफ्लॉन एक रबर है एक्चुअली, जैसा कि हमारे पास प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर में जो प्रेशर हमारा बाहर निकलता है, तो प्रेशर बाहर नहीं निकलने के लिए हम अंदर एक वाइसर लगाते हैं, तो ये जो होता है टेफ्लॉन का होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है। तो पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल में हमारा रिएक्टेंट होता है अक्राइलोनाइट्राइल, और अक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन करने के बाद पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल हमें मिलता है। इसमें भी रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट भी सिंगल होगा। यहाँ पे दिया हुआ है एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ अक्राइलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जगह हम परोक्साइड रखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलीमराइजेशन करने के बाद पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल मिलता है, लेकिन हम अक्राइलोनाइट्राइल के साथ क्या करते हैं, परोक्साइड कैटलिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये हमारा अक्राइलोनाइट्राइल, और हम इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसा हम यहाँ पे एन लगाते हैं, एन मीन्स नंबर ऑफ टाइम साइकिल रहेगा हमारा। तो ये हमारा पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अभी जो हमने रिएक्शन किया है हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, ये सब कुछ हमारा चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का था, और इसके आगे जो है यह हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें फर्स्ट प्रिपरेशन है नायलॉन की, इसमें बाय फंक्शनल मोनोमर होते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन नायलॉन 66 की। इसमें दो रिएक्टेंट है, जैसा कि फर्स्ट रिएक्टेंट है हमारा हेक्सा मिथाइल इथिन डायमाइन, एंड सेकंड रहेगा एडिपिक एसिड, और टेम्परेचर देते 553 केल्विन, हाई प्रेशर से बनता है नायलॉन 66। यहाँ पे रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, इसके यूजेस तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं नायलॉन 66 एंड नायलॉन 6, इसका रिलेशन है। नायलॉन 6 सिंपल है, नायलॉन 6 की जगह हम रिएक्टेंट रखते हैं कैप्रोलैक्टम, और कैप्रोलैक्टम को यहाँ पे ब्रेक करते हैं, जैसा कि जो हमारा नाइट्रोजन है और कार्बन एटम है, इसमें यहाँ से ब्रेक करते हैं, तो हमारी चेन बनती है जिसे हम बोलते हैं नायलॉन 6। यहाँ पे टेम्परेचर है 533 केल्विन टू 543 केल्विन, एंड कैटलिस्ट और एक रहेगा हमारा जो कि वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा नायलॉन 6, नायलॉन 6 की रिएक्शन। क्या किया हमने, यहाँ पे ब्रेक किया नाइट्रोजन और कार्बन के अंदर से, और एज इट इज यहाँ पे ऐसा लिखा लाइन में। ओके, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, नायलॉन 6 यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स, जो रोप्स होते हैं हमारे वायर जिसे बोलते हैं, और टायर कोड मतलब टायर के ऊपर जो ब्लैकिश कोड होता है, ये भी नायलॉन 6 से मिलता है, बनता है। नेक्स्ट है बकेलाइट। बकेलाइट से हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन। ये है हमारा बकेलाइट का स्ट्रक्चर, एग्जाम में आया तो इतना ही निकलने का, जो इतना है, यस, ये इतना ही आपको लर्न करना है। ऊपर का इसलिए दिया है मैंने कि आपको मालूम होना चाहिए कि बकेलाइट का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, रिएक्टेंट क्या होता है, और उसका कुछ जो इनिशियल स्टेज में लगने वाले जो रिएक्टेंट है वो क्या होते हैं। तो इस बकेलाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, जैसा कि फिनॉल एंड यहाँ पे CH2O है, मतलब एल्डिहाइड का एक ग्रुप लगता है, एल्डिहाइड और फिनॉल से बनता है बकेलाइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है बकेलाइट का स्ट्रक्चर सिंपल है, दो मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओके, बकेलाइट एक क्या है, एक प्लास्टिक हम जिसे बोलते हैं, तो बकेलाइट ऐसा ही प्लास्टिक है।
जिसका यूज़ हम डेली यूज़ में भी करते हैं। यह है हमारी मेलामाइन की रिएक्शन। मेलामाइन पॉलीमर बनाने का है हमें, तो हमें दो रिएक्टेंट की ज़रूरत है। फर्स्ट रहेगा हमारा मेलामाइन एंड सेकंड होगा फॉर्मल्डिहाइड। तो इसके बाद इन दोनों का हम रिएक्शन करते हैं, जैसा कि जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड अटैक करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे, यहाँ पे कोट करते हैं, यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, यहाँ पे तीन जगह NH2 ग्रुप है, 1, 2 एंड 3। कौन सी जगह हम एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके अटैच कर सकते हैं, जिससे रिजाइन इंटरमीडिएट स्टेप हमें मिलती है। क्या क्या यहाँ पर, यहाँ का एक हाइड्रोजन आटम एंड HCHO, इसमें से H2 मुझे लगता है बाहर निकलता है और ये हमारा प्रोडक्ट आता है। इसके बाद यहाँ पे OH और यहाँ पे H बाहर निकलता है, H2O, और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है जो हमारा मेलामाइन पॉलीमर। ओके, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, मतलब जो मिट्टी का जो ऐसा कुछ बर्तन दिखता है ना, जैसे फूलदानी बोलते हैं, तो ये सब हम मेलामाइन पॉलीमर से बनाते हैं, स्मूथ होता है। इसके बाद है कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारा कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच मिक्सर ऑफ मोर देन वन मोनोमरिक स्पीसीज। पॉलीमराइजेशन में और कोपॉलीमराइजेशन डिफरेंस क्या होता है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि कोपॉलीमराइजेशन मतलब जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, तो कोपॉलीमराइजेशन में सिंगल रिएक्टेंट नहीं होता है, दो रिएक्टेंट होंगे, तो इसे बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट रहेगा हमारा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, मिक्सर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन कैन फॉर्म अ कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन में दो रिएक्टेंट होंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट है ब्यूटाडाइन का और सेकंड है स्टाइरीन का। यहाँ पे रिएक्शन भी देखते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन ये फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, और सेकंड रहेगा हमारा स्टाइरीन। स्टाइरीन ही कॉमन नेम है, और 1,3-ब्यूटाडाइन IUPAC नेम है, और हमारा प्रोडक्ट बनता है ब्यूटाडाइईएनई स्टाइरीन कोपॉलीमर। पॉलीमर फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है, यहाँ पे ईएन होता है, नंबर ऑफ टाइम ब्यूटाडाइन ऐसा होता है। तो यह है रिएक्शंस ऑफ कोपॉलीमराइजेशन, सिंगल रिएक्शन है। नेचुरल रबर तो हमें मालूम है, जो कि नेचर से मिलता, नेचुरली हमें मिलता है, इसके ऊपर कुछ साइंथेटिक प्रोसेस नहीं होती है, इसे बोलते हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का कुछ स्ट्रक्चर है तो देखते हैं। नेचुरल रबर जनरली कुछ कंट्री में ही मैक्सिमम अवेलेबल है, जैसा कि फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा। तो इसमें क्या होता है, नेचुरल रबर बनाने के लिए हम दो रिएक्टेंट का यूज़ करते हैं, फर्स्ट रहेगा हमारा आइसोप्रीन, और सेकंड पॉलीमर बनने के बाद रहेगा हमारा CIS 1,4-polyisoprene, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इसे बोलते हैं नेचुरल रबर, जो कि नेचुरली हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है। ओके, तो ये रहेगा हमारा नेचुरल रबर, इसे हम बोलते हैं आइसोप्रीन। यह है हमारा आइसोप्रीन का सिंगल स्ट्रक्चर, ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर होगा, और ये रहेगा थर्ड, और ये इसका रिपीटेशन होता है नंबर ऑफ टाइम, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल रबर। जैसा कि फर्स्ट ही हमने एक एग्जांपल देखा है इथिन का, इथिन का हम रिपीटेशन करते वन बाय वन नंबर ऑफ टाइम, तो क्या बनता है, पॉलीथिन, पॉली लगता है इसे, पॉली मतलब मेनी, पॉलीथिन बनता है इथिन का। ऐसा ही है आइसोप्रीन का, जब हम नंबर ऑफ टाइम रिसाइकल करते हैं तो इसे बनता है नेचुरल रबर। ओके, तो यह है नेचुरल रबर की बेसिक रिएक्शन, जो कि नेचुरल रबर बनाने के लिए हम आइसोप्रीन से नेचुरल रबर कैसे बनाते हैं, तो इसमें प्रोसेस दी हुई है कि इलेक्ट्रॉन कैसा पास होता है, कैसा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि हमारा वल्कनाइजेशन रबर। वल्कनाइजेशन रबर का जनरल यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज, इट इज़ कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन रबर। जब हम नेचुरल रबर से हीट करते हैं 100-150 डिग्री सेल्सियस से, तो बनता है वल्कनाइजेशन रबर। वल्कनाइजेशन रबर की कुछ कंटेंट है, जैसा कि 1% to 3%
सल्फर होता है इसमें, और 3% to 10% सल्फर इज लिटल हार्ड होता है, हार्ड सल्फर, और 20 to 30% भी होता है जो कि बेटर केस रबर में, या हार्ड रबर में हम सल्फर का यूज़ करते हैं 20 to 30%। तो इसमें दिया हुआ है सल्फर क्रॉस लिंक, मतलब जब हम सल्फर का यूज़ करते हैं यूज़ करने के लिए बॉन्ड लाइन बनाने के लिए, तो हम सल्फर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है डाई सल्फाइड बॉन्ड डिनोटेड, मतलब जब हम वल्कनाइजेशन रबर बनाते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर ज्वाइन करने के लिए सल्फर का यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर हमारा 100 to 150 degrees Celsius होगा। एंड वल्कनाइजेशन रबर जो है हमारा हार्ड होगा, टफ एंड ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसा कि हम देखते हैं फाइबर होता है हमारा, प्लास्टिक होता है हार्ड होता है, पॉलीथीन से हार्ड होता है। तो जो हार्ड होता है यह है हमारा वल्कनाइजेशन रबर। यहाँ पे वल्कनाइजेशन रबर की रिएक्शन है। वल्कनाइजेशन रबर बनाने के लिए हम रिएक्टेंट लेते हैं C1,4 पॉलीआइसोप्रीन चेन, और यहाँ से हम क्या यूज़ करते हैं सल्फर से लिंक करते हैं यहाँ से और यहाँ से दो जगह से, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है आप देख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन रबर। सिंपल है वल्कनाइजेशन रबर। तो नेचुरल रबर और वल्कनाइजेशन रबर में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट हम देखते हैं सिंथेटिक रबर क्या होता है। सिंथेटिक रबर मीन्स जो हमारा वल्कनाइजेशन रबर है, तो इसके ऊपर जब हम प्रोसेस करते हैं साइंटिफिक प्रोसेस, तो बनता है हमारा साइंथेटिक रबर। साइंथेटिक रबर से हम मैनमेड रबर ऐसा ही बोलते हैं, मैनमेड पॉलीमर। तो यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ नेचुरल रबर विच इज अ साइंथिसाइज्ड इन अ लेबोरेटरी, इसे हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। कुछ प्रिपरेशन भी है इसके, प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, इट इज़ यूज इंसुलेटर गास्केट केमिकल कंटेनर। इंसुलेटर बोल के हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बैड कंडक्टर या रेजिस्टर होता है रेजिस्टर। और नेक्स्ट ये रहेगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर। फर्स्ट रिएक्शन है नियोप्रीन की। नियोप्रीन जो है वो पॉलीमर है हमारा, क्लोरोप्रीन का हमने यहाँ पे पॉलीमराइजेशन किया है। क्लोरोप्रीन मतलब 2-chloro-1,3-butadiene। नियोप्रीन इज फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज देते हैं, इसका भी ऐसा ही करते हैं और ऐसी चेन बनाते हैं दोनों तरफ, और बाद में हमारा प्रोडक्ट जो बनता है यह है नियोप्रीन, देख सकते हैं। ये हमारा सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर मतलब क्या, रबर के 3 टाइप्स है जैसा कि हमने देखा है। फर्स्ट है नेचुरल रबर, सेकंड है सेमी सिंथेटिक, और थर्ड रहेगा हमारा सिंथेटिक रबर। नेचुरल मतलब जो हमें नेचुरली मिलता है, सेकंड रहेगा सेमी सिंथेटिक, मतलब फॉर एग्जांपल वल्कनाइजेशन रबर, जैसा कि हमारा नेचुरल रबर ही होता है लेकिन कुछ प्रोसेस होने के बाद बनता है, इसे बोलते हैं सेमी सिंथेटिक रबर। और जो हमारा सिंथेटिक रबर होता है ये हमारा 80% मैनमेड होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सिंथेटिक रबर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल एंड वल्कनाइजेशन रबर, या डिफरेंस नेचुरल एंड वल्कनाइजेशन रबर का यहाँ पे दिया हुआ है। कौन से नेचर में होता है, जैसा कि नेचुरल रबर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, एंड वल्कनाइजेशन रबर जो होता है हार्ड होता है एंड नॉन स्टिकी होता है। क्योंकि नेचुरल रबर से हम हीट करने के बाद वो हार्ड होता है, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है यहाँ पे। नेचुरल रबर जो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, वल्कनाइजेशन रबर की हाई होती है। एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब जिसे हम बोलते हैं लवचिकता, जो कि इलास्टिक होता है। नेचुरल रबर लो इलास्टिक होता है देन वल्कनाइजेशन रबर। कुछ टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर में रहता है नेचुरल रबर, तो 10 degrees to 60 degrees में होता है, और 60 degrees के ऊपर हम हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, वल्कनाइजेशन बनता है, या वो पिघलता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और वल्कनाइजेशन रबर की टेम्परेचर है -40 degrees to 100 degrees Celsius। रेजिस्टेंस होता है नेचुरल रबर लो वेयर एंड टीयर रेजिस्टेंस, एंड वल्कनाइजेशन रबर इज हाई वेयर एंड टीयर रेजिस्टेंस। एंड सोलबिलिटी यहाँ पर दी हुई है, जो नेचुरल रबर है हमारा सोलबल होता है सॉल्वेंट्स में, लाइक इथर,
टेट्रा क्लोरोमीथेन एंड पेट्रोल में, एंड वल्कनाइजेशन रबर जो होता है हमारा वो इसी में इनसोल्युबल होता है। ओके, नेक्स्ट रहेगा बुन्ना यन। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1.3 ब्यूटाडाइन की रिएक्शन अक्राइलो नाइट्राइल के साथ करते हैं, और यह हमारी कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है और एक ही प्रोडक्ट होता है, लेकिन कोपॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे दो प्रोडक्ट होंगे और रिएक्टेंट रहेगा सिंगल, सॉरी प्रोडक्ट रहेगा सिंगल। इसमें हम क्या बनाते हैं, कोपॉलीमराइजेशन करते हैं। कोपॉलीमराइजेशन मतलब दो रिएक्टेंट होंगे और उसकी एडिशन से एक प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट। ये हमारा बुन्नायन, बुन्नायन जो नेम है हमारा कॉमन नेम है एक्चुअली, एंड रिएक्टेंट इज 1.3 ब्यूटाडाइन इज रिएक्ट्स विथ अक्राइलो नाइट्राइल। ओके, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज बुन्नायन। ये तो हमने देखा ही है ए बुन्नायन की रिएक्शन, उसके यूजेस, इट इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑयल सील एंड टैंक लाइनिंग या लिनिंग। मतलब ये क्या होता है, बुन्नायन जो रबर है, जो लीकेज होता है हमारा, ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप या गैस होता है जैसा कि प्रेशर कुकर में, तो इसकी जगह इसका यूज़ करते हैं हम, बुन्नायन जो रबर है हमारा। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पॉलीमर के टू टाइप्स है एक्चुअली, जैसा कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जो कि हम नेचुरली से रिमूव या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एंड जिसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इट इज़ कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यहाँ पे दिया हुआ है। और एक रिएक्शन भी है, इट इज़ कॉल्ड एज PHBV रिएक्शन। इसमें दो प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3-hydroxybutanoic एसिड इज रिएक्ट्स विथ 3-hydroxypentanoic एसिड। ओके, ब्यूटेनॉइक मतलब 4 कार्बन एटम इज रिएक्ट्स विथ, यहाँ पे रहेंगे 5 कार्बन एटम, और फाइनली हमारा बनता है PHBV जो कि पॉलीमर है। और लास्ट रहेगा हमारा ये नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 की रिएक्शन। नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनाने के लिए क्या होता है, ग्लाइसिन इज रिएक्ट्स विथ इप्सिलॉन अमाइनो कैप्रोइक एसिड, यहाँ पे जो सिंबल है ई जैसा दिखता है इसे बोलते हैं इप्सिलॉन। एंड नायलॉन 2 नायलॉन 6 इज अ को पॉलीमर कंटेनिंग पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड से हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में भी पॉलीअमाइड रहेगा लिंकेज पे, और यहाँ से हम लिंक करते हैं दोनों को, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यह है हमारा कमर्शियली इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, जो कि हमने रिएक्शन में देखा है मोनोमर कौन सा होता है और इसका स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा। ये हमारा मोनोमर जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये जो हमारा सेकंड कॉलम है ये रहेगा हमारा प्रोडक्ट, मतलब पॉलीप्रोपीन इस रिएक्शन का रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है, और इसकी यूजेस ऐसे होते हैं, फर्स्ट लाइन में कॉलम में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन का नेम, सेकंड कॉलम इज रिएक्टेंट, थर्ड कॉलम इज प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे यूजेस। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं, मेरे पास तो इतना समय नहीं है, तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा।